व्यूअर्स वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए सोलर सेल कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू, मतलब सोलर सेल में क्या होते हैं, लाइट एनर्जी से हम लोगों को जो एनर्जी मिलते हैं उसका फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन बी थर्मल एनर्जी, ऑप्शन सी साउंड एनर्जी, ऑप्शन डी हीट एनर्जी। सोलर से जो एनर्जी हम लोगों को जो सोलर पैनल, सोच लिया ये सोलर पैनल है, इससे जो एनर्जी हम लोगों को जो मिलते हैं वो क्या है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो राइट आंसर हो गया आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सोलर के बारे में, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सोलर सेल, ये आंसर राइट है और रॉन्ग है। मतलब हम लोगों को जो सोलर पैनल जो आपको जो देख रहा है, ये जो टाइप्स है ये थ्री टाइप्स का होते हैं। वन इज द मोनोक्रिस्टलाइन, सेकेंड इज द पॉलीक्रिस्टलाइन, एंड थर्ड इज द थिन फिल्म टाइप सोलर पैनल। तो हम लोग को तीन हो गया, तो राइट आंसर हो गया टू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानेंगे। ऑप्शन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ द सोलर सेल इज ऑल्सो नोन एज, मतलब हम लोग एक सोलर सेल परचेस किया उसको जब कंबाइन करेंगे, मतलब प्लस के साथ जब माइनस कनेक्ट करेंगे उसको हम लोगों को क्या बोलना है, प्लस के साथ माइनस जब कनेक्ट होगा उसको हम लोगों को सीरीज कनेक्शन बोलना है, और प्लस जब कनेक्ट होगा एक साथ उसको हम लोगों को बोलना है पैरेलल कनेक्शन, और माइनस से माइनस कनेक्ट होगा तो पैरेलल कनेक्शन। हम लोगों को जो सोलर का जो कॉम्बिनेशन होता है सीरीज और पैरेलल, इसको हम लोगों को क्या बोलना है, ऑप्शन है सोलर एरे, ऑप्शन बी है सोलर लाइट, ऑप्शन सी है सोलर साइट, ऑप्शन डी है सोलर आई। तो हम लोगों को क्या बोलना है, सीरीज पैरेलल कनेक्शन ऑफ द सोलर पैनल, इसको हम लोगों को सोलर एरे बोलना है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे क्या पूछा, द फुल फॉर्म ऑफ एफएफ इन सोलर फील्ड, मतलब एफएफ का फुल फॉर्म क्या होते हैं। ऑप्शन ए है फॉर्म फैक्टर, ऑप्शन सी है फेस फैक्टर, ऑप्शन बी डी है फील फैक्टर, ऑप्शन डी भी है फायर फैक्टर। तो यहाँ पे एफएफ को हम लोगों को बोलना है फील फैक्टर। ये फील फैक्टर क्या होती है, फील फैक्टर में हम लोगों को सेल का जो क्वालिटी है इसको हम लोगों को जांच करना है। तो इसके लिए हम लोगों को फील फैक्टर का वैल्यू देखना चाहिए। फील फैक्टर वैल्यू जितना भी ज़्यादा होगा तो वो सोलर सेल का क्वालिटी अच्छा होगा। मतलब फील फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, 1 से लेयर होना चाहिए, 1 से लेस होगा, 1 से कभी भी ज़्यादा नहीं होगा फील फैक्टर का वैल्यू। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फील फैक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द फील फैक्टर यूजिंग द डेटा, मतलब यहाँ पे जो फील फैक्टर का जो वैल्यू है इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे पी मैक्स है 15 वाट, यहाँ पे वीओसी हो गया 18 वोल्ट, एंड आईएससी हो गया 4 एम्पियर। तो यहाँ पे जो फील फैक्टर एफएफ, एफएफ का फॉर्मूला क्या पता है हम लोगों को, ये एफएफ का फॉर्मूला पता है हम लोगों को, पी मैक्स जो है, पी मैक्स को हम लोग क्या बोलना है, वी मैक्स इंटू आई मैक्स, पी मैक्स बाई वीओसी इंटू आईएससी, ये क्या हो गया आपका, ये फॉर्मूला हो गया, इंटू 100 जब करेंगे तो वो परसेंटेज में मिल जाएगा। तो यहाँ पे पी मैक्स का जो वैल्यू है यहाँ पे 15 हो गया, तो उसके अंडर में क्या हो गया, 18 इंटू 4, तो हो गया क्या आपका, तो हम लोगों को क्या मिला यहाँ पे 15/72। तो ये हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएंगे 0.20। तो हम लोगों को जो फील फैक्टर का वैल्यू मिल गया वो 0.20 हो गया। तो इसको परसेंटेज करेंगे तब हम लोगों को 20% मिल जाएगा। तो ये राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी 0.20। तो ये फील फैक्टर कभी भी, ये फील फैक्टर वेरी लो है। तो हम लोगों को फील फैक्टर का वैल्यू जितना भी ज़्यादा होगा तो सेल का क्वालिटी अच्छा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया आपका, ए मटेरियल यूज फॉर मेकिंग द सोलर सेल इज, मतलब हम लोगों को जो सोलर सेल है उसमें जो हम लोग जो मटेरियल यूज करेंगे तो वो क्या होगा। ऑप्शन ए है सिलिकॉन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी हो गया सोडियम, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। मतलब हम लोगों को जो सोलर सेल है, आपको जो सोलर सेल मिल रहा है तो उसमें जो हम लोगों को जो मटेरियल यूज करना है, तो सोलर सेल में हर एक टाइम में जो मटेरियल यूज होती है वो सिलिकॉन यूज होती है, सिलिकॉन सैंड से मिलते हैं। तो सिलिकॉन वन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर, ये मटेरियल हम लोग सोलर सेल में यूज करेंगे। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। द टर्म्स ऑफ फोटोवोल्टिक कम्स फ्रॉम, मतलब फोटोवोल्टिक जो टर्म है ये कहां से आया। ऑप्शन ए है स्पेनिश, ऑप्शन बी है ग्रीक, ऑप्शन सी है जर्मन, ऑप्शन डी है इंग्लिश। तो ये फोटोवोल्टिक जो टर्म है ये क्या हो गया, एक ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक से आया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या पूछा आपका, ए टिपिकल आउटपुट ऑफ सोलर सेल इज, मतलब एक जो सोलर सेल, सोच लिया ये सोलर पैनल है, तो ये पैनल में
हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोलर सेल हम लोगों को मिलेगा। ये जो हम लोग जो सेल जो पैनल जो ड्रॉ किया तो इसमें 9 सेल है, तो इसमें हर एक जो सेल है, ये जो एक जो मार्किंग किया, ये जो सेल है, ये सेल में जो वोल्टेज हम लोगों को मिलते हैं उसका वैल्यू क्या है। ऑप्शन ए है 0.5, ऑप्शन बी 0.26, ऑप्शन सी है 1.1, ऑप्शन डी है 2 वोल्ट। मतलब यहाँ पे जो सेल का जो साइज है, छोटा हो और बड़ा हो, तो ये हर एक सेल में जो वोल्टेज मिलते हैं थियोरिटिकली वो 0.5 वोल्ट है। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए 0.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ द सोलर सेल मे बी इन द रेंज ऑफ, मतलब एक जो सोलर सेल, सोच रहे सोलर पैनल है तो इसमें क्या हो गया, इसमें 9 सेल है, ये आपका भी 12 भी सेल हो सकती है, उसमें भी 18, 36, 60, तो इस टाइप का सेल हो सकती है। मतलब इसमें जो एफिशिएंसी का जो रेंज है वो रेंज क्या है, ऑप्शन 2-5%, 10-15%, 30-40% और 70-80%। तो आपका जो सोलर सेल का जो एफिशिएंसी रेंज होती है वो कभी भी 10-15% होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी 10-15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक मॉड्यूल के बारे में पूछा। देखिए क्या क्वेश्चन है, ए मॉड्यूल इन ए सोलर पैनल रेफर टू, मतलब एक जो मॉड्यूल हम लोगों को जो मॉड्यूल बोलना है वो मॉड्यूल हम लोगों को किसको बोलना है। तो एक सोच लिया ए है आपका पैनल है तो एक मॉड्यूल है, तो मॉड्यूल में हम लोगों को 60 भी सेल यहाँ पे रह सकते हैं। तो इसका जो कनेक्शन होगा वो कनेक्शन कैसे तरफ होना चाहिए, सीरीज अरेंजमेंट ऑफ सोलर सेल, पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ सोलर सेल, सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ सोलर सेल एंड डी नन ऑफ द सोलर सेल। मतलब हर एक जो सोलर सेल में जो वोल्टेज मिलते हैं, पिछले जो क्वेश्चन है उसमें डिस्कस किया 0.5 वोल्ट, बट एक सोलर पैनल है उसमें जो वोल्टेज हम लोगों को जो मिलते हैं वो 12 वोल्ट हो गया, 24 वोल्ट हो गया, ऐसे टाइप वोल्टेज हम लोगों को मिलते हैं। तो इसमें जो कनेक्शन करना चाहिए वो सीरीज कनेक्शन होगा। क्यों, सीरीज कनेक्शन में आपका वोल्टेज ऐड होगा, मतलब 0.5 करके ऐड होके हम लोग को 24 और 12 वोल्ट मिल रहा है। मतलब हम लोग को जो करंट जो ज्यादा मिलेगा तो उसको सेल का साइज जितना ज्यादा होगा उसमें हम लोग को करंट भी ज्यादा मिल जाएगा। तो छोटा सेल हो और बड़ा सेल हो उसमें जो वोल्टेज मिलेगा वो 0.5 वोल्ट ही मिलेगा। तो इन लोगों को राइट आंसर हो गया सीरीज अरेंजमेंट ऑफ द सोलर सेल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को कुछ प्रोसेस के बारे में पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा, द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग लाइट फोटोन्स टू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इज कॉल्ड, मतलब यहाँ पे हो गया आपका जो फोटोन से हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है इसको हम लोगों को क्या बोलना है। तो ये जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट का नाम क्या है, हमें पीवी इफेक्ट, सोलर सेल एंड रेडिएशन। तो हम लोग क्या है, फोटोवोल्टिक जो इफेक्ट है, मतलब इसमें क्या है आपका जो फोटोन है, फोटोन एनर्जी, तो उससे हम लोगों को क्या है इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। तो ये हो गया आपका पीवी इफेक्ट, मतलब पीवी मतलब फोटोवोल्टिक इफेक्ट। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 है। उससे पहले जो हमारा जो चैनल है, जो जो सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और उसमें भी बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, तो हम लोग जब जब वीडियो अपलोड करेंगे आपको भी नोटिफिकेशन भी ज्यादा से ज्यादा मिल जाएगा। तो उसमें हम लोग कीजिए जो कुछ आपको डाउट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द सनलाइट डायरेक्टली इनटू द सोलर पावर, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा, इन्हें सनलाइट से हम लोगों को जो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है कैसे मिला। ऑप्शन है बैटरी है, सोलर सेल है, इन्वर्टर है। इन्वर्टर का काम क्या है, इन्वर्टर का तो मेन काम है हम लोगों को जो डीसी एनर्जी है उसको हम लोगों को एसी में कन्वर्ट करना है, ये इन्वर्टर का काम है, डीसी टू कन्वर्टेड टू द एसी। आपका जो बैटरी है, बैटरी हो गया हम लोगों को स्टोरेज डिवाइस, मतलब हम लोगों को जो बैकअप पावर चाहिए। हम लोग सोच लिया सोलर सेल में जो एनर्जी जनरेट होती है वो डे टाइम में होती है, रात में तो एनर्जी हम लोगों को इसमें मिलती नहीं है, तो रात के लिए हम लोग क्या चाहिए, स्टोरेज चाहिए। तो इस स्टोरेज हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे बैटरी और द पावर बैंक हम लोग को यूज करना है। बट यहाँ पे जो आपको जो सोलर सेल, सोलर सेल का काम क्या है, इसमें जो काम है आपका सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलता है सोलर सेल में। तो राइट आंसर हो गया हम लोग को सोलर सेल और द सोलर पैनल। तो इसमें हम लोग 12 क्वेश्चन डिस्कस किया। किसी ने कुछ भी डाउट है तो कुछ प्रॉब्लम है तो हमारा कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, तो हमारा चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।